कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, और हमें एक अमेजिंग बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन का पता चला। हम उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने लैपटॉप को छोड़ कर मोबाइल में जाते हैं और प्ले स्टोर ओपन करके उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। बट ये भी तो हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के पास हो, आपने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया है और आपको एक बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन का पता चला और आप उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो, बट मोबाइल तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्ले स्टोर की ऐप रिमोटली अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करते हैं, बगैर किसी सॉफ्टवेयर, बगैर किसी यूएसबी कनेक्शन के। आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, तो चलिए सबसे पहले मोबाइल में चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट सेक्शन में जाइए। अकाउंट सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे कनेक्शन है, सबसे पहला माई डिवाइस एंड अकाउंट। अकाउंट सेक्शन में गूगल में जाइए और यहाँ पे देखिए कि कौन सा जो जीमेल अकाउंट है वो आपने ऐड किया हुआ है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल जीमेल अकाउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपने मोबाइल में लॉगिन किया है उसी का यूज़ आगे के प्रोसेस में होगा। यहाँ पे तीन अकाउंट है, तौसिफ खाली टू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप दूसरा अकाउंट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से ऐड अकाउंट में जाइए। ऐड अकाउंट में जाने के बाद गूगल पे क्लिक करके आप जो है वो अकाउंट ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग या न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आपने किस जीमेल अकाउंट से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है, किस जीमेल अकाउंट से अपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है। आपने जिस जीमेल अकाउंट से अपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है उसी जीमेल अकाउंट से अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने वेब ब्राउजर के ऊपर लॉगिन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तौसिफ खाली टू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ, वही जो ईमेल है वो मेरे मोबाइल में भी है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे रिमोटली इंस्टॉल करने का। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के घर पे हैं, अपने मोबाइल घर पे छोड़ दिया, तो वहाँ पे वेब ब्राउजर ओपन कीजिए और उसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कीजिए जिस जीमेल अकाउंट से आपने एंड्रॉयड में लॉगिन किया हुआ है, और आप सिंपली जाइए प्ले स्टोर में, जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, प्ले डॉट गूगल डॉट कॉम। हो सकता है कि आप YouTube की वीडियो देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहां से आप रीडायरेक्ट होकर के प्ले स्टोर पे आ जाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कोई एप्लीकेशन चूज करता हूँ एंड इस एप्लीकेशन को मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आ गई कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपके सभी डिवाइस के लिए जो है वो सुइटेबल है, ये इंस्टॉल आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल के ऑप्शन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए क्या आता है। ये हमारा जो मोबाइल है, जो डिवाइस है, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे आप एक ही जीमेल अकाउंट मल्टीपल डिवाइस में यूज़ करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। ये देखिए जैसा कि मैंने वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया था तो उसका आ रहा है, और यहाँ पे जो अभी मेरा करेंट मोबाइल है वो है। यहाँ पे फिर से आपको परमिशन देने की ज़रूरत पड़ेगी इंस्टॉल, और आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी कुछ नहीं है, फ्लावर्स, फोटो फ्रेम्स, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस तरीके से आप रिमोटली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। उसके बाद किसी दूसरे एप्लीकेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई सा भी एक, कुछ भी, यहाँ पे मैं टेस्ट करने के लिए सिंपली कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस एप्लीकेशन को भी मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपके मोबाइल में फुली सपोर्ट करेगा। अगर हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के हिसाब से नहीं होती है तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी कि ये जो डिवाइस है इसमें ये एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। फिर से वही चीज़ें हैं, यहाँ पे डिवाइस है, जो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, अगर आप मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और जो भी डिवाइस सेलेक्ट करते हैं उसमें इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। फिर से हम लोग इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, प्लीज़ वेट, और आप मेरे मोबाइल में भी देख सकते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो है ना इजी? आप चाहे मोबाइल घर पे भूल गए हो या आप कितनी भी दूर हो, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।